कालेबुङ जिल्लाका दुईवटा वैकल्पिक मार्ग क्रमैले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अनि लाभा मार्ग पहिरोको कारण बन्द भएका छन्। लाभा मार्गमा पर्ने 9 माइल नजिक पहिरो गएर रुखहरू ढलेको कारण सडक मार्ग अवरुद्ध बनेको छ, जहाँ धेरै पर्यटकहरू पनि अलपत्र परेको जानकारी पाइएको छ। लाभादेखि गुरुबथानसम्मकै सडक मार्गमा पहिरो गएको पनि जानकारी पाइएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा पर्ने 29 माइल साथै अन्य केही स्थानमा पनि पहिरो गएको कारण राष्ट्रिय राजमार्ग 10 पनि बन्द भएको छ। बन्द आपका नीचे लोलेगाउँ वाला हुआ चाहे कालिम्पोङ जाने वाला हुआ दोनों तरफ से बन्द है, पूरा गाछ गिरा है, ऊपर से माटी वगैरह भी आया है, टोटल बंद है रास्ता। तो वहाँ पे टूरिस्ट का गाड़ी भी फंसा है? हाँ, टूरिस्ट का गाड़ी भी फंसा है, कम से कम 20-25 गाड़ी फंसा हुआ है। अच्छा, खुलने का चांसेस कितना है? खुलने का चांस बहुत मुश्किल लग रहा है, जो इस हिसाब से बारिश हो रहा है उस हिसाब से तो मुश्किल ही है। अच्छा, कौन खुल देगा यहाँ पे, कौन काम करेगा? अभी तक तो कोई नहीं आया है, ना ग्रेफ का आया है, ना ये लोलेगांव वाला, ये रानी कंपनी और जो जो कंपनी है वो कोई भी नहीं आया है। हमें टूरिस्ट नहीं आसी, तो दुईटा पार्टी मध्य लाभा आसार समय तो हमें एक जगह फेसे गेसिलाम, से जगह तो रास्ता आबार ठीक करे एक घंटा पर आबार ठीक होइछे। ओइखाने पौंछार परे आरेक आमादेर टूरिस्ट पार्टी आछे, ओई टूरिस्ट पार्टी ओइखाने 9 माइल बोले एकटा जायगा आछे, ओइखाने रास्ता घाटे परिस्थिति खूब ही खराब, एकटू पर पर धस नामछे, भेंगे जाच्छे, रास्ता ब्लक होये जाच्छे। तो ओई टूरिस्ट के आमरा राते आर फिरे निये आसते पारछि ना, তারপরে রাতে তো ওইভাবেই ওরা 18 ঘন্টা ওইখানে ওই রাস্তাতেই ব্লক অবস্থায় ভারী বৃষ্টি হইতেছিল, ওইখানেই ওরা রাত কাটিয়েছে। তারপরে আমরা আবার ভোরবেলা আবার ওই টুরিস্টে নেওয়ার জন্য আসছি। কোনোভাবে এখনও মোটামুটি গাড়ি 30টার কাছাকাছি, গাড়ি দুই পাশে মিলে 30টা গাড়ির কাছাকাছি দুই পাশে ব্লক হয়ে আছে, কোনো যাওয়া আসার কোনো পরিস্থিতিই নেই।